सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो हमें कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली, बट इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस का कौन सा मैच हो चुका है कन्फर्म अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन से लेते शुरुआत। देन सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहां पर हमें ग्रेसन वॉलर के गेस्ट रहते हुए दिखने वाले हैं बॉबी लेस्ली। आप सबको पता ही है अभी हर्ट बिजनेस 2.0 की स्टार्टिंग ही हुई थी, लेकिन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें स्ट्रेट प्रॉफिट्स रे मिस्टीरियो एंड सेंसोस को बार से मैच हारते हुए दिखते, जिसके वजह से बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और देखकर लग तो रहा था कि ये फैक्शन शुरू होने से पहले ही हो जाएगी खत्म। बट गाइस, WWE कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रही है, यानी कि अभी स्ट्रेट प्रॉफिट्स को पहले जैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन बॉबी लेस्ली उन्हें लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। और एक्सपेक्टेड है कि अभी ये फैक्शन नहीं टूटने वाली, ये और ज्यादा लंबी जाने वाली है, जिस थिंग को बॉबी लेस्ली ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर कंफर्म करते हुए हमें दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है कंफर्म, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच। आप सबको पता है ये 2 वीक पहले के स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो से चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मांगी थी, और रे मिस्टीरियो ने उनके चैलेंज को कर लिया था एक्सेप्ट, यानी कि ये एक तरह का फ्रेंडली मैच होने वाला है, और इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है। और यहाँ पर हमें हर्ट बिजनेस या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लेस्ली अटैक करते हुए दिख सकते हैं रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार पर, एंड अपने लास्ट वीक हुए हार का बदला ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कंफर्म कर दिया है वो है बेली वर्सेस शार्लोट फ्लेयर के बीच। आप सबको पता ही है लास्ट वीक हमें इयो स्काई एंड आस्का के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल रहा था, जहां पर बेली अपनी इंटरफेरेंस करती है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आ जाती है शार्लोट फ्लेयर, और आस्का की जीत तो नहीं हो पाई, लेकिन WWE ने बेली और शार्लोट फ्लेयर का मैच कर दिया है ऑफिशियल। एंड जिस हिसाब से बेली की बुकिंग हो रही है, देखकर यही लग रहा है कि यहां पर उनकी होने वाली है हार। वहीं लास्ट वीक जब हमें WWE रॉक की तारीफ वगैरह करते हुए दिख रही थी, देन अगेन ऑस्टिन थ्योरी वहां पर आ जाते हैं, एंड वो ये थिंग बोलते हैं कि जो भी ये सारी चीजें वायरल वगैरह हुई है वो सारी मेरी वजह से हुई है, ना कि रॉक के वजह से। उसके बाद इस चीज में उनका साथ ग्रेसन वॉलर भी देते हैं, इनका फिर हमें टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है। तो गाइस, आप सबको बता दूं WWE के अभी यही प्लान है कि हमें ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी एक टैग टीम में ही काम करते हुए दिखने वाले हैं। अब इनकी केमिस्ट्री तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेट्स सी WWE इनके अपोनेंट के रूप में किसे रखती है। और अब फाइनली बात कर ली जाए जॉन सिना एंड ब्लड लाइन के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें एजे स्टाइल्स एंड जॉन सिना वर्सेस जिमी उसो एंड सोलो सिकवा के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिख जाती है एजे स्टाइल्स पर, और एजे स्टाइल्स को छोड़कर सभी ने कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसके वजह से फास्टलेन के लिए जॉन सिना वर्सेस जिमी उसो एंड सोलो सिकवा का मैच हो चुका है ऑफिशियल। और लग तो रहा था कि ये हैंडीकैप मैच होने वाला है, बट गाइस जॉन सिना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक हिंट दिया, या फिर आप कह सकते हो उनके एक फैन ने डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स की तरह ड्रेस्ड अप किया था, जिसका जवाब देते हुए जॉन सिना ने कहा, मुझे तो जरूरत भी एक टैग टीम पार्टनर की फास्ट लेन पेपर व्यू में है। अब जॉन सिना ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात कर दी है टीज की हमें जॉन सिना का कोई ना कोई पार्टनर होते हुए दिखने वाला है फास्ट लेन पेपर व्यू में। आप सबको पता ही है लास्ट वीक WWE के ऐसे प्लान थे कि LA Knight हमें हेल्प करते हुए दिखते जॉन सिना की, लेकिन वो हो गए थे कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से नहीं आ पाए। और हो सकता अगर LA Knight रिकवर हो गए हो, या फिर WWE ने कोई और नाम ही सोच लिया हो, तो वो चीज आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन में रिवील होते हुए दिख सकती है। और अगर LA Knight टैग टीम पार्टनर बनते हैं तो वो ज्यादा बड़ी थिंग तो नहीं होने वाली। बट गाइस, 2 और नाम है जो कि रूमर्ड है, या फिर आप कह सकते हो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, वो नेम है रैंडी ऑर्टन एंड CM पंक की। आप सबको पता ही है दोनों सुपरस्टार्स की कनेक्शन जॉन सिना से, रैंडी ऑर्टन को रिसेंटली परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट भी किया गया है, यानी कि रैंडी ऑर्टन कभी भी वापस आ सकते हैं, तो उनके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। वहीं CM पंक की बात कर ली जाए, देन लास्ट वीक कोडी रोड्स ने बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलकर CM पंक को तो टीज किया ही था, इस वीक सेथ रॉलिंस ने भी बेस्ट इन द वर्ल्ड का यूज किया। तो अब ये बात ऑब्वियस हो चुकी है कि CM पंक आने वाले WWE में, सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज होने वाली सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन क्या पता WWE ये चीज हमें फास्टलेन पेपर व्यू या फिर उससे पहले की किसी स्मैकडाउन में करते हुए दिख जाए। और अगर जॉन सिना एंड CM पंक टैग टीम पार्टनर बनते हैं और वो जाते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट, तो फिर भाई कमाल ही हो जाएगा। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस वीक के स्मैकडाउन में कौन देता है जॉन सिना का साथ। वैसे आपको क्या लगता है कौन होने वाला है जॉन सिना का टैग टीम पार्टनर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस का कौन सा मैच कंफर्म हो चुका है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। देन जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रोमन रेंस का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है 13th अक्टूबर के स्मैकडाउन में। तो गाइज, उसके एक दिन बाद ही यानी कि अक्टूबर 14th को हमें देखने को मिलने वाला एक लाइव इवेंट
जहां पर रोमन रेंस करने वाले अपनी चैंपियनशिप डिफेंड और वो अपनी चैंपियनशिप किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि अपने फॉर्मर ब्लड लाइन के मेंबर सैमी जेन के अगेंस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद तो फिर क्राउन जूल में हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला, यानी कि आप सब कह सकते हो जॉन सिना तो अभी स्मैकडाउन में सभी को एंटरटेन कर ही रहे। रोमन रेंस के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन देखने में हमें और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि रिटर्न के बाद आप रोमन रेंस की फ्यूड किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तो गाइस जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो हमें कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली, बट इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहां पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस का कौन सा मैच हो चुका है कन्फर्म अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन से कर लेते शुरुआत। देन सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल वो है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहां पर हमें ग्रेसन वॉलर के गेस्ट रहते हुए दिखने वाले हैं बॉबी लेस्ली। आप सबको पता ही है अभी हर्ट बिजनेस 2.0 की स्टार्टिंग ही हुई थी, लेकिन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें स्ट्रेट प्रॉफिट्स रे मिस्टीरियो एंड सेंसोसिस को बार से मैच हारते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और देखकर लग तो रहा था कि ये फैक्शन शुरू होने से पहले ही हो जाएगी खत्म, बट गाइस WWE कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रही है, यानी कि अभी स्ट्रेट प्रॉफिट्स को पहले जैसा दिखाया जा रहा है लेकिन बॉबी लेस्ली उन्हें लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। और एक्सपेक्टेड है कि अभी ये फैक्शन नहीं टूटने वाली, ये और ज्यादा लंबी जाने वाली है, जिस थिंग को बॉबी लेस्ली ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर कंफर्म करते हुए हमें दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है कंफर्म वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच। आप सबको पता है ये दो वीक पहले के स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो से चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मांगी थी और रे मिस्टीरियो ने उनके चैलेंज को कर लिया था एक्सेप्ट, यानी कि ये एक तरह का फ्रेंडली मैच होने वाला है और इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है। और यहाँ पर हमें हर्ट बिजनेस या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लेस्ली अटैक करते हुए दिख सकते हैं रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार पर, एंड अपने लास्ट वीक हुए हार का बदला ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कंफर्म कर दिया है वो है बेली वर्सेस चार्लोट फ्लेयर के बीच। आप सबको पता ही है लास्ट वीक हमें इयो स्काई एंड आस्का के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल रहा था, जहां पर बेली अपनी इंटरफेरेंस करती है लेकिन उन्हें रोकने के लिए आ जाती है चार्लोट फ्लेयर, और आस्का की जीत तो नहीं हो पाई लेकिन WWE ने बेली और चार्लोट फ्लेयर का मैच कर दिया है ऑफिशियल। एंड जिस हिसाब से बेली की बुकिंग हो रही है देखकर यही लग रहा है कि यहां पर उनकी होने वाली है हार। वहीं लास्ट वीक जब हमें WWE रॉक की तारीफ वगैरह करते हुए दिख रही थी, देन अगेन ऑस्टिन थ्योरी वहां पर आ जाते हैं एंड वो ये थिंग बोलते हैं कि जो भी ये सारी चीजें वायरल वगैरह हुई है वो सारी मेरी वजह से हुई है ना कि रॉक की वजह से। उसके बाद इस चीज में उनका साथ ग्रेसन वॉलर भी देते हैं, इनका फिर हमें टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है। तो गाइस आप सबको बता दूं WWE के अभी यही प्लान है कि हमें ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी एक टैग टीम में ही काम करते हुए दिखने वाले हैं। अब इनकी केमिस्ट्री तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेट्स सी WWE इनके अपोनेंट के रूप में किसे रखती है। और अब फाइनली बात कर ली जाए जॉन सिना एंड ब्लड लाइन के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें एजे स्टाइल्स एंड जॉन सिना वर्सेस जिमी उसो एंड सोलो सिकवा के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिख जाती है एजे स्टाइल्स पर, और एजे स्टाइल्स को छोड़कर सभी ने कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसकी वजह से फास्टलेन के लिए जॉन सिना वर्सेस जिमी उसो एंड सोलो सिकवा का मैच हो चुका है ऑफिशियल। और लग तो रहा था कि यह हैंडीकैप मैच होने वाला है, बट गाइस जॉन सिना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक हिंट दिया, या फिर आप कह सकते हो उनके एक फैन ने डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स की तरह ड्रेस्ड अप किया था, जिसका जवाब देते हुए जॉन सिना ने कहा मुझे तो जरूरत भी एक टैग टीम पार्टनर की फास्ट लेन पेपर व्यू में है। अब जॉन सिना ने डायरेक्टली तो नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली ये बात कर दी है टीज की हमें जॉन सिना का कोई ना कोई पार्टनर होते हुए दिखने वाला है फास्ट लेन पेपर व्यू में। आप सबको पता ही है लास्ट वीक WWE के ऐसे प्लान थे कि LA Knight हमें हेल्प करते हुए दिखते जॉन सिना की, लेकिन वो हो गए थे कोविड पॉजिटिव जिसकी वजह से नहीं आ पाए। और हो सकता अगर LA Knight रिकवर हो गए हो या फिर WWE ने कोई और नाम ही सोच लिया हो तो वो चीज आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन में रिवील होते हुए दिख सकती है। और अगर LA Knight टैग टीम पार्टनर बनते हैं तो वो ज्यादा बड़ी थिंग तो नहीं होने वाली, बट गाइस दो और नाम है जो कि रूमर्ड है या फिर आप कह सकते हो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, वो नेम है रैंडी ऑर्टन एंड CM पंक की। आप सबको पता ही है दोनों सुपरस्टार्स की कनेक्शन जॉन सिना से, रैंडी ऑर्टन को रिसेंटली परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट भी किया गया है, यानी कि रैंडी ऑर्टन कभी भी वापस आ सकते हैं तो उनके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। वहीं CM पंक की बात कर ली जाए देन लास्ट वीक कोडी रोड्स ने बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलकर CM पंक को तो टीज किया ही था, इस वीक सेथ रॉलिंस ने भी बेस्ट इन द वर्ल्ड
का यूज किया। सो अब ये बात ऑब्वियस हो चुकी है कि सीएम पंक आने वाले WWE में सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे कि ये चीज होने वाली सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन क्या पता WWE ये चीज हमें फास्टलेन पे पर व्यू या फिर उससे पहले की किसी स्मैकडाउन में करते हुए दिख जाए। और अगर जॉन सीना एंड सीएम पंक टैग टीम पार्टनर बनते और वो जाते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट तो फिर भाई कमाल ही हो जाएगा। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस वीक के स्मैकडाउन में कौन देता है जॉन सीना का साथ। वैसे आपको क्या लगता है कौन होने वाला है जॉन सीना का टैग टीम पार्टनर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस का कौन सा मैच कंफर्म हो चुका है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। देन जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रोमन रेंस का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है 13th अक्टूबर के स्मैकडाउन में। तो गाइज उसके एक दिन बाद ही यानी कि अक्टूबर 14th को हमें देखने को मिलने वाला एक लाइव इवेंट जहां पर रोमन रेंस करने वाले अपनी चैंपियनशिप डिफेंड, और वो अपनी चैंपियनशिप किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि अपने फॉर्मर ब्लडलाइन के मेंबर सैमी जेन के अगेंस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद तो फिर क्राउन जूल में हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला, यानी कि आप सब कह सकते हो जॉन सीना तो अभी स्मैकडाउन में सभी को एंटरटेन कर ही रहे हैं। रोमन रेंस के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन देखने में हमें और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि रिटर्न के बाद आप रोमन रेंस की फ्यूड किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।